आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्थायी दुकानों में जो है वो लघु स्तरीय जो व्यापारी है या लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी है या फुटकर व्यापार है उसको समझ लिया, यानी इंग्लिश में हमने इसे कहते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स। अब हम दूसरे भाग की ओर चलते हैं जिसे दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार कहते हैं या लार्ज स्केल रिटेलर्स कहते हैं। अब ये किस तरीके के व्यापार होते हैं? इस तरीके के व्यापार में एक ही जगह पर हर प्रकार की वस्तु या उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर जो होती है बात होती है केंद्रीकरण की, विशिष्टीकरण की, वस्तुओं को संग्रह करके एक साथ रखने की, साथ ही साथ उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की बात होती है। आइए इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये दीर्घ स्तरीय व्यापार क्या है, उसको हम इनके प्रकारों के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका पहला व्यापार या पहला प्रकार जो आपको दिख रहा है वो है विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये नाम बहुत ही कॉमन है जो कि आप अक्सर किसी शॉप में या किसी दुकान पर पढ़ सकते हैं कि सो एंड सो डिपार्टमेंटल स्टोर। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर होता क्या है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उससे भी पहले चर्चा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, इसका जो उद्गम हुआ है फ्रांस के पेरिस शहर से हुआ था, और ये जो उद्गम का जो समाप्ति है 1852 में हुआ था। पहला वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर खोला गया था वो था बॉन मान और लोअर का। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जब डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक दुकान होती है उसमें कई विभाग होते हैं और कई विभाग जो है अपने आप में एक पूरा व्यापार करती है। मतलब अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने सुपर बाज़ार देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। वहाँ पे आपने क्या देखा है कि वहाँ पे खाद्य उत्पादों के लिए अलग जगह रहती है, कॉस्मेटिक्स यानी अब जो हम मेकअप का सामान यूज़ करते हैं या हम जो क्रीम पाउडर लगाते हैं उसके लिए अलग दुकानें होती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि वहाँ पे बर्तनों के लिए अलग जगह होती है, साथ ही साथ और अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन हर एक को विभाग में विभक्त कर दिया गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ऐसी शॉप में कभी गए होंगे जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ राशन ही राशन होगा, या ग्राउंड फ्लोर में, फिर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे उसको एक अलग विभाग में विभक्त कर दिया गया होगा जहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान मिलता होगा। फिर आप सेकेंड फ्लोर में जाएंगे, उसके ऊपर फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कपड़ों का विभाग मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो कपड़े होंगे किड्स वेयर होंगे, बच्चों के लिए होंगे, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो बड़ों से रिलेटेड कपड़े मिलेंगे। तो इस तरीके से एक जो पूरे दुकान है या शॉप को विभागों में विभक्त कर दिया जाता है, और ये जो विभाग होते हैं अपने आप में ही एक संपूर्ण व्यापार की तरह या व्यापारी को लाभ अर्जित करके देने में सक्षम होते हैं। आइए हम इसे जो विभागीय भंडार के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे कुछ परिभाषाओं के माध्यम से और अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। जो परिभाषा पहली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है जेम्स और स्टीफन ने दी हुई है, जेम्स स्टीफन ने। उनके अनुसार ये जो परिभाषा है ये एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है। एक और परिभाषा देखते हैं, दूसरी परिभाषा जो सर एमी थॉमस ने दी है, इनके अनुसार विभागीय भंडार एक बड़ा फुटकर संस्थान है जिसमें एक ही भवन के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तुओं में व्यवहार करता है, वह स्वयं में एक पूर्ण इकाई होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये स्वयं में एक पूर्ण इकाई होते हैं और एक पूरी तरीके से अपने व्यापारी को लाभ प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अब इन कॉन्सेप्ट को, विभागीय भंडार के जो कॉन्सेप्ट है या जो उसकी अवधारणा है, हमने उसको समझ लिया है। साथ ही साथ अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो पहली विशेषता है वो कुछ इस प्रकार है कि एक छत के नीचे ही पाई जाती हैं और इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं में व्यापार किया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो होते हैं प्रॉपर बड़े नगरों में ही स्थित होते हैं।
फिर बात आती है ग्राहकों को ये निशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं या घर पहुंच सेवा भी देते हैं, इस तरह की सेवाओं को ये प्रदान करते हैं। अब बहुत से सुपरमार्केट या डी मार्केट या के मार्ट में आप अगर जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि आप ऑनलाइन क्या करते हैं, उनको कॉल करके सामान की लिस्ट बता देते हैं, वो लोग पैक करते हैं सामान को और आपको पेमेंट की डिटेल्स भेज देते हैं। आप वहाँ से जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, आपके घर तक उन वस्तुओं को पहुँचा देते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले देते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो इसकी अगली विशेषता अगर हम देखें तो यहाँ पर जो होते हैं कुशल विक्रेता कार्य करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो सेल्समैन होते हैं उन्हें अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना आना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कुशल विक्रेता किस तरीके से होने चाहिए। जो कुशल विक्रेता होने चाहिए वो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वो आप किस प्रकार के आपने कपड़े धारण किए हैं, आप किस तरीके से रेडी हुए हैं, क्या आपने उस शॉप के अनुसार ही अपने आप को रेडी किया है, सबसे बड़ी बात। फिर आपके बात करने का तरीका, साथ ही साथ आपको उस जिस सेक्टर में या विभाग में डिपार्टमेंट में आप खड़े हैं वहाँ पे प्रोडक्ट लाइन क्या चल रही है, क्या उत्पाद है, उसके बारे में आपका ज्ञान होना, साथ ही उनकी कीमतों के बारे में ज्ञान होना, साथ ही साथ उनकी कन्विंसिंग पावर कि वो अपने कस्टमर को कितने अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मायने होती हैं। तो यहाँ पर जो होता है एक कुशल विक्रेता कार्य करते हैं हम कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि प्रत्येक विभाग एक पृथक प्रबंध होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह एक पृथक इकाई, पृथक पूर्ण इकाई के रूप में जब कार्य करता है तो इनका प्रबंधन भी अलग होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बात आती है रख रखाव से लेकर के वहाँ के मैनेजमेंट तक की, ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करेंगे और वहाँ के डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर होगा और उसके ऊपर हर मैनेजर के ऊपर फाइनल एक मैनेजर होगा, हो सकता है वो शॉप का ओनर भी हो, मालिक, या एक मैनेजर हो जिसे रखा जाए और वो लास्ट में उस मालिक को रिपोर्ट करता हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विभाग का जो पृथक प्रबंध भी होता है। और अगर हम इसके बाद इसकी अगली विशेषता की ओर चले तो अगली विशेषता कहती है कि इसमें अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपयोग में लाया जाता है या उसका विक्रय किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अब चूँकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जब यूज़ में लाए जाते हैं या उनको ओपन किया जाता है तो हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे उत्पादों को कस्टमर को दिया जाए या उनको विक्रय किया जाए जिससे कस्टमर हमेशा संतुष्ट रहें, सेटिस्फाइड रहें। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है या उत्पाद का जो किस्म है उसकी जो किस्म है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर उत्पाद की किस्म अच्छी नहीं हुई तो उपभोक्ता जो है वो अपने आप असंतुष्ट हो जाएगा और वो दोबारा स्टोर में नहीं आएगा। तो ये व्यवसाय या इस व्यवहार को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जिस भी इकाई में व्यवहार हो रहा है वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाए। हम चाहे बात कर लें ऐसे चद्दर या पर्दों के इकाई की जहाँ पर अलग अलग मटेरियल के कपड़े मिलते हैं, अलग अलग रेंज मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें किड्स वेयर की जहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं, या हम बड़ों के कपड़ों की बात करें, या फिर हम बर्तनों की क्वालिटी की बात करें अगर वो अलग विभाग या भंडार बना है, या हम स्नैक्स की बात करें जहाँ पर हल्के फुल्के चिप्स बिस्किट्स या चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, या फिर हम अनाज की बात करें जहाँ पर गेहूँ चावल दाल। तो ये जो अलग अलग विभाग बांटे गए हैं, हर तरह के विभाग में जो उत्पाद रखे गए हैं या प्रोडक्ट रखे गए हैं उनकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी विशेषताओं को भी जान लिया है विभागीय भंडार की। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि विभागीय भंडार की स्थापना के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आवश्यक हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं विभागीय भंडार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसकी स्थिति सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जहाँ जैसे कस्टमर्स होते हैं वहाँ पे इन विभागीय भंडारों की आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं कि रूरल एरिया में ये विभागीय भंडार चलेंगे? रूरल मतलब अर्बन, मतलब अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण। तो ग्रामीण
अगर स्थिति ले या लोकेशन ले तो क्या ये विभागीय भंडार वहाँ चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो शहर जहाँ होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर लोगों का परचेजिंग पावर है ना, जहाँ लोग अच्छे तरीके से खर्च कर सकते हैं, लोग शौक से खर्च करते हैं, उनको उनकी जो आवश्यकता है वो बड़ी मात्रा में, वहाँ पर इस तरीके के भंडार गृह चल सकते हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार के भंडार गृह चल सकते हैं, तो उनका लोकेशन या स्थिति कैसी होनी चाहिए? शहरों के अंतर्गत होनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपर अवेलेबल हो, ठीक है, साथ ही साथ जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात प्रॉपर अवेलेबल, तो ऐसी जगह पर इन भंडार गृहों का या विभागीय भंडारों की स्थापना की जानी चाहिए। फिर बात होती है सुविधाएं, यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। बहुत से प्रकार आपने देखे होंगे कि जब भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते होंगे तो वहाँ एक रेस्ट रूम आपने देखा होगा, रेस्ट रूम जहाँ जब क्या होता है कस्टमर घूम घूम कर सारी वस्तुओं को लेकर थक जाता है तो वो वहाँ पर थोड़ा सा आराम करता है, वो रेस्ट रूम है, ठीक है। वहाँ पर साथ साथ पीने के पानी की जगह होना चाहिए, वहाँ पर ऐसे छोटे से कैफेटेरिया वगैरह होना चाहिए कि अगर थक जाने के बाद वहाँ पर बैठ के किन्हीं बच्चों को भूख लग गई है या किसी को भूख लग गई तो वहाँ थोड़ा मोड़ा स्नैक्स भी अवेलेबल हो जाए, साथ ही साथ अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यकता हो तो वो लोग एक प्रकार से हेल्प कर सके कि आप यहाँ से कैब ले लीजिए, कार ले लीजिए, टैक्सी ले लीजिए, इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी व्यवस्थाएँ हैं उनको इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होना चाहिए, जिससे कि क्या होती है ये जो सुविधाएँ देते हैं तो उस वजह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी कस्टमर्स वैल्यू बढ़ती है, वो कस्टमर्स को वैल्यू देते हैं और कस्टमर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, उपभोक्ता अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। इसके अगर हम अगली स्थापना के लिए एक कारण देखें तो सजावट, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में जो वस्तुएँ रखी जाती हैं उनको प्रॉपर सही तरीके से न सजाया जाए, उनका प्रदर्शन ठीक से ना किया जाए तो वो लोगों के आंखों के सामने नहीं आएंगी, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वो छुपी रह जाएंगी और लोग उनको जान ही नहीं पाएंगे और उनको खरीदेंगे ही नहीं, है ना। आपने कई बार देखा होगा कपड़ों की दुकान के सामने वो पुतलों को खड़ा किया जाता है, कुछ मेल पुतले होते हैं कुछ फीमेल पुतले होते हैं, वहाँ पर वो ड्रेस मटीरियल को पहना करके उनको खड़ा, ये क्यों होता है? ये प्रदर्शन करने के लिए होता है कि इस प्रकार के कपड़े हमारे दुकान में अवेलेबल हैं, है ना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पुतले खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार के खूबसूरत कपड़े मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जब हम स्नैक्स की जगह पर जाते हैं, है ना, स्नैक्स मतलब जहाँ चिप्स वगैरह मिलते हैं, चिप्स कुरकुरे इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पर आपको हैंगर्स में ऐसे सीधा सीधा वो एक पूरी पूरी लड़ दिखती है आपको, वो क्यों ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं? वो सीधी सीधी बात है, आपको दिखेगा, आपको जिज्ञासा होगी, अचानक एक भूख लगेगी और आप उसको खरीदेंगे, ये सजाने का तरीका है। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि जब आप चादर या पर्दे खरीदने जाते हैं तो उसे भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजा के रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, सजावट का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपने डिपार्टमेंट स्टोर में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनका प्रदर्शन कर सकें और कस्टमर को आकर्षित कर सके कि कस्टमर आए और उन वस्तुओं को खरीदें। फिर बात आती है कि क्रय विक्रय की सुविधा, बिल्कुल ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्रय विक्रय की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। क्रय जब वस्तुओं की गई है तो जब हम देखते हैं बिलिंग की बात यहाँ कर रहे हैं, बिलिंग होती है तो वहाँ पे दो रिसिप्ट निकलती है, एक जो होती है एक में पेड का सील लगता है और वो कस्टमर को दे दिया जाता है, और दूसरा जो रिसिप्ट होता है उसे क्या करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर वाले अपने पास रख लेते हैं आगे की जाँच के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ये दोनों रिसिप्ट एक जैसी ही होती है, तो यहाँ पर क्रय विक्रय की सुविधा होती है कि इस स्टोर से कौन कौन सा सामान इस कस्टमर के द्वारा ले जाया गया है, दोनों के पास वो डिटेल्स उपलब्ध होते हैं। फिर अंतिम जब हम स्थापना के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि अंतिम बिंदु क्या होना चाहिए या अंतिम मुद्दा क्या होना चाहिए, तो यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कर्मचारी क्यों चाहिए? पहले तो सेल्स पर्सन चाहिए कि आए वो कस्टमर्स को अपने जो डिपार्टमेंट है उसके स्टोर के वस्तुओं के बारे में ज्ञान दे, उनकी कीमतों के बारे में बताएं, उनमें कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके रेंज में आएगा, ये सारी चीज़ें बताएं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या बताएं, ये बताएं, ये जो है वो सेल्समैन कर्मचारी हुए, लेकिन अब जब कस्टमर हैं तो वहाँ पे उनको चाय कॉफ़ी देने के लिए, ठंडा पानी पिलाने के लिए,
इस तरह के कर्मचारी भी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि आप बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ गेट कीपर भी होते हैं जो आपके जाने से पहले गेट ओपन करते हैं, आप जाते हैं फिर गेट बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे आपके वेलकम के लिए भी लोग रहते हैं, है ना। तो इस तरीके के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ना, सेल्स पर्सन की, कि वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से करें और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। तो बच्चों ये थे विभागीय भंडार का कॉन्सेप्ट जो आपने समझा है, साथ ही साथ इनकी विशेषताओं को जाना है। आइए अब इनके लाभ और इनके दोषों को जानने की कोशिश करते हैं। विभागीय भंडार के लाभों को देखते हैं। ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जैसे कि अभी तक आपने इसकी अवधारणा को जाना, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो गया होगा कि इससे होने वाले लाभ कौन कौन से हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहला लाभ है बड़ी मात्रा में क्रय का लाभ। जब विभागीय भंडार में हम कोई भी कस्टमर जाता है तो वो क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में क्रय कर सकता है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में अगर आपकी शॉप है तो उसके लिए, दुकान के लिए आप सामान खरीद कर जा सकते हैं, या आप अगर अपने घर के लिए भी खरीद रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बेस्ट प्राइस से, वो भी विभागीय भंडार की तरह कार्य करता है, बेस्ट प्राइस से जब भी कोई कस्टमर जो है माल खरीदता है, तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपने दुकानों के लिए वहाँ से माल लेके जाते हैं, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो केवल अपने घरों के लिए लेके जाते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, क्योंकि ये जो भंडार हैं वो विभाग में भक्त होते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स वो लोग एक साथ रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो खाने के उत्पाद भी रखते हैं, वो नहाने धोने कपड़े के साबुन और साथ ही साथ सर्फ वगैरह भी रखते हैं, साथ ही साथ झाड़ू पोछा जो आप देखते हैं, हैंड मॉप वो भी रखते हैं, इसके अलावा वो हैंड सैनिटाइज़र, ब्लैंकेट, टिफ़िन, क्रॉकरी और पुस्तकें, पेन, पेंसिल के बॉक्सेस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विभागीय भंडार में पाई जाती हैं। इन सारी वस्तुओं को एकत्रित करके जो उनकी आवश्यकताओं की हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं। दूसरे लाभ की ओर चलते हैं कि विज्ञापन की मितव्ययता। अब क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब इस तरह के बड़े बड़े भंडार अपने विज्ञापन की बात करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसके लिए अलग अलग जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, एक ही विज्ञापन में कई बार आपने देखा होगा कि एक अच्छी सी फैमिली की फ़ोटो लगा देते हैं, वहाँ पे तीनों चारों एंगल से वो लोग अलग अलग प्रकार के उत्पादों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है अच्छी स्नैक्स भी मिल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ कपड़ों के स्टोर भी, मतलब एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो एक डिज़ाइन ऐसा प्लान किया जाता है कि उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख जाएं। तो यहाँ पर जो होती है विज्ञापन की मितव्ययता होती है, क्योंकि एक ही डिज़ाइन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके लिए अलग अलग डिज़ाइंस को ना डिज़ाइन करना पड़ता है ना अलग अलग हर बार अलग उनको विज्ञापन करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये दूसरा लाभ हो गया। जो तीसरा लाभ है वो कुछ इस प्रकार है कि बिक्री में वृद्धि। बिल्कुल, जब कस्टमर्स आएंगे तो अपने आप क्या होगा, जब वो इतनी बड़ी मात्रा में जो है ख़रीदी करेंगे तो अपने आप क्या होता है, उसे बिक्री में वृद्धि हो जाती है ना। तो ये तीसरा पॉइंट था या तीसरा लाभ था। चौथा जो है वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति। यहाँ पर जब उपभोक्ता आते हैं तो वहाँ पर लगभग उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आती है, कपड़े भी मिल जाते हैं, साबुन सोडा भी मिल जाता है, वाटर बॉटल, टिफ़िन, इसके अलावा आप ब्रश भी दे सकते हैं, फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, स्नैक्स के आइटम भी मिल जाते हैं, बटर, दूध, घी, चीज़, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, कई बार आपको गेहूं, चावल भी आपके पसंद का मिल जाता है। मतलब सारी जितनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। उसके लिए वो क्या, उसे बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता कि एक दुकान से दूसरे की कपड़े लेने हैं तो पहले कपड़े की दुकान में जाओ, फिर उसको अनाज लेना है तो फिर अनाज की दुकान में जाओ, फिर उसको झाड़ू पोछा लेना है या ऐसे कुछ क्या बोलते हैं एसेसरीज़ लेनी है या ऐसे फुटकर चीज़ें लेनी है तो उसके लिए वो अलग दुकान में, नहीं, सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो आवश्यकताओं की, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उस एक भंडार गृह में पॉसिबल होती है। अगला जो बिंदु है वो कहता है चैन की सुविधा। ये जो आपने देखा होगा और आप लोग, हो सकता है आपने यूज़ भी किया होगा, कि ये लोग चैन की सुविधा देते हैं। जब आप जाते हैं
किसी भी इस प्रकार के विभागीय भंडार में, तो आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम ड्रेस मटेरियल की ही बात करते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो चल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं या लड़कियां या पुरुष जो है वो, या हम कस्टमर्स कह सकते हैं, ये कस्टमर क्या कर रहे हैं, कपड़ों को देख रहे हैं कि कौन से कपड़े हम पे फिट होंगे। वो क्या करते हैं, ये कपड़ों की क्वालिटी, कपड़ों के डिज़ाइंस और साथ ही साथ उसके अलावा क्या देखते हैं, उसका प्राइस भी देखते हैं, है ना। तो ये एक चयन करने का तरीका हो, साथ ही साथ अगर आप जाएं कुछ प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं मान लीजिए, तो ठीक है मान लीजिए फिनाइल की बॉटल ही ले रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग रेंज में फिनाइल की बॉटल्स उपलब्ध है, 150 में मिल रही है, 300 में भी मिल रही है, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चीज़ें, क्वालिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी डिफर करेगी और रेट डिफर करेगा। तो इस तरीके से चयन की सुविधा ये आपको प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर आप साबुन या क्या कह सकते हैं शैम्पू के उसमें जाएं, तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें रखी रहती हैं, आपको जिस भी तरीके का सोप चाहिए, जिस भी तरीके का शैम्पू यूज़ करना है, जिस भी तरीके का हेयर ऑयल परफ्यूम पाउडर चाहिए, जिस भी तरीके की चीज़ें आपको चाहिए, उसके डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार उन वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। फिर बात आती है अधिक कुशलता की, तो यहाँ पे जो हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं उनकी अधिक कुशलता की बात कर रहे हैं, यानी हम सेल्स पर्सन की बात कर रहे हैं जो उन वस्तुओं को आपको बताता है या उनकी जानकारी देता है। कई बार आप जब इस तरह के स्टोर जाते हैं तब आपको जब उनकी जानकारी नहीं होती तो कई बार आप वहाँ के सेल्स पर्सन से पूछते हैं, मान लीजिए आप दूसरे विभाग में हैं, आप अनाज के भाग में, आपको किड्सवेयर में जाना है, या आप किड्सवेयर में आपको अनाज के भंडार की जगह जाना, आपको ऐसी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बच्चों का डायपर लेना आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या पूछते हैं कि भाई भाई साहब या सर आप ये बता सकते हैं कि मुझे ये डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वो जो सेल्स पर्सन होता है वो आपको उस एरिया क्या का या उस विभाग का लोकेशन बताता है। साथ में अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि हम लोकेशन में पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी उत्पादों के लिए हम चयन करने में असफल होते हैं, तो वो आपको उत्पादों को चयन करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से उनके जो सेल्स पर्सन होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनमें अधिक कुशलता पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है माल पहुंचाने की सुविधा, बिल्कुल आफ्टर सेल सर्विसेज के अंतर्गत आता है कि ये जो होते हैं जो है होम डिलीवरी की भी सुविधा आपको देते हैं। आपने ख़रीदी कर ली, पेमेंट कर लिया, इसके बाद अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप उनको बता दीजिए, वो आपके को इसके लिए कुछ हो सकता है चार्जेस करें, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है कई बार अपने कस्टमर्स के लिए, तो वो आपको माल पहुंचाने की सुविधा भी देते हैं। फिर बात आती है अगले लाभ की, वो है मूल्यों में कमी। अब जब हम कई बार देखते हैं कि इस तरीके के स्टोर्स में जब आप बड़ी मात्रा में वस्तुओं को लेते हैं तो कई बार उनके मूल्यों में कमी आ जाती है, तो इस तरीके के लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं कस्टमर। फिर आता है कुशल प्रशासन, बिल्कुल जब एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पर कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विभाग एक साथ चल रहे हैं और हर विभाग के लिए अपना एक अलग प्रशासन या प्रबंध पाया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है सेवा भाव की, ये बहुत ही सेवा भावना से जो है अपने कस्टमर्स को अटेंड करते हैं, उनको जो है उनको एंटरटेन करते हैं या उनको हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं उनकी, कि वो वस्तुओं को किस तरीके से खरीद सकते हैं, उनका चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कई प्रकार के सर्विसेज देते हैं, जैसे एक सर्विस के बारे में हमने बात किया होम डिलीवरी की, घर पहुँच सुविधा की, दूसरा एक आफ्टर सेल सर्विस भी होती है जो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद जो अंतिम लाभ आता है वो है, ये है आधुनिकता का प्रतीक, बिल्कुल जो ट्रेंडी चीज़ें हैं अक्सर इन स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं या इस प्रकार के विभागीय भंडार में अवेलेबल होती हैं। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है, स्टाइल चेंज होता है, ये भंडार गृह ये कोशिश करते हैं कि उस तरह की वस्तुओं को अपने भंडार गृह में रखें, ताकि लोग जो हैं समय के साथ चले, आधुनिकता वहाँ पर प्रदर्शित हों, लोग आकर्षित हों, कस्टमर्स आकर्षित हों और यहाँ पर उनकी जो बिक्री है वो बढ़ पाए। तो ये जो थे वो विभागीय भंडार के कुछ लाभ थे। आइए हम हानियों या दोषों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो दोष आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहला दोष है, ये सबसे सिंपल चीज़ है कि जब हम इतने बड़े व्यापार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, तो यही इसका पहला दोष है कि यहाँ पर अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है या मिलती है, एक तो विभागीय भंडार में बहुत सारे प्रकार के व्यापार चलते हैं तो सबके लिए अलग अलग पूंजी की आवश्यकता है, फिर ये जो अलग से सेवाएँ देते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, होम डिलीवरी सर्विसेज, इन सभी चीज़ों के लिए
किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। अब इतने प्रकार के विभाग चलाने के लिए एक बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता है, वहाँ पे बिजली की आवश्यकता है, वहाँ पे सारी सुविधाओं की, सभी संसाधनों की आवश्यकता, तो इसमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है फंड। तो यहाँ पर जो पूंजी की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में एक कैपिटल की, एक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा दोष हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मूल्यों में वृद्धि। अब क्या होता है, जब ये इतने प्रकार की सर्विसेज देते हैं तो कई बार ये अपने प्रोडक्ट की मूल्यों में वृद्धि भी कर देते हैं कंपैरेटिवली। आपको कई बार ऐसा होगा कि आप पास की दुकान से वो वस्तु थोड़े सस्ते में ला सकते हैं, लेकिन आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वस्तुएँ, सारी तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ वस्तुएँ कंपैरेटिवली इन दुकानों में महंगी मिलेंगी। फिर आती है भेदभाव को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल, ये जो है विभागीय भंडार जो है वो पूंजीवादी प्रथा की देन है, तो ये भेदभाव को बढ़ावा देता है क्योंकि गरीब वर्ग यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकता, गरीब वर्ग इस तरह के भंडारों से जो है वो अपनी वस्तुओं को क्रय नहीं कर सकता, सीधी सी बात। फिर बात आती है परिचालन व्ययों में वृद्धि। अब ये जो है वो बहुत विभिन्न प्रकार की सेवाओं को देते हैं, तो सेवाओं को बहुत अधिक ध्यान देने की वजह से यहाँ पे जो परिचालन व्यय होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे कि घर पहुँच सुविधा, अगर ये इन सर्विसेज को चार्ज नहीं करते, उनके लिए कोई पैसे नहीं लेते, तो ये कॉस्ट किस में जाएगी, किसके अकाउंट में जाएगी, किसके अकाउंट बुक्स में जाएगी, ये सारी की सारी उन विभागीय भंडारों के अकाउंट्स या बुक्स में जाएंगी। इसके बाद जो अगला दोष है वो इस तरीके से हो सकता है कि ये सीमित क्षेत्र है इनका। सिंपल सी बात है, ये जो हैं वो या तो आप कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों को देख करके, है ना, और दूसरा या फिर जो आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग है उन तरह के कस्टमर्स को देख के बनाया जाता है, लेकिन मध्यम वर्गीय और उसके ऊपर के लोगों को छोड़कर जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जब हम जान रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर ये जो निम्न वर्गीय लोग हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनके लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई इनके लिए, इनके पास उनके लिए कोई किसी प्रकार का व्यवहार या व्यवसाय नहीं, तो इनका क्षेत्र जो होता है सीमित हो जाता है। या तो ये केवल हायर क्लास लोगों के लिए होती है या मिडिल और हायर क्लास लोगों के लिए होती है, तो क्षेत्र इनका या कस्टमर जो टारगेट कस्टमर होता है वो सीमित हो जाता है। फिर बात यह है, बात आती है अनार्थिक विभागों का प्रचालन। अब ऐसे कई विभाग होते हैं जिनका प्रचालन होता है ताकि कस्टमर्स आएं और यहाँ पर आकर के वस्तुओं को खरीदें, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, इनमें कई बार जो है इस प्रकार के विभागों को लॉस भी करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बहुत बड़े बड़े विभागीय भंडारों के बीच में या उन्होंने ऐसे कुछ रखा है व्यवस्था कि वहाँ बच्चों को रख सकते हैं, क्रच जैसा होता है, वहाँ पे अलग अलग झूले होंगे, बच्चे जहाँ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते, है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों में भी तो व्यय या खर्च लगते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक उदाहरण मैंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये अनार्थिक विभागों में आ जाती है, अनार्थिक विभागों के अंतर्गत आ जाती है और इससे जो खर्च है वो बढ़ जाते हैं। फिर अगला दोष होता है कुशल विशेषज्ञों की कमी। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि कुशल विशेषज्ञ जो होते हैं उनको एक अच्छी सैलरी चाहिए, अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स अगर इस तरह की अच्छी सैलरी नहीं ऑफर करते हैं तो यहाँ पे उनको कुशल विशेषज्ञों की कमी के होने का सामना करना पड़ता है। फिर बात आती है कि प्रबंध में जटिलता। आकार बड़ा है, क्योंकि जब डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहे हैं, विभागीय भंडार की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में वो आकार में बड़ा है ना, तो आकार में बड़े होने की वजह से कई बार जो है प्रबंध में जटिलता आ जाती है, तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर बात आती है अनुपयुक्त स्थिति, और उसके बाद बात आती है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। चूँकि यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर डायरेक्टली जो है वो से कनेक्टेड नहीं होता है और कस्टमर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो शॉपकीपर या सेल्स पर्सन को नहीं होती है ना, क्योंकि वो कभी कभी मिलते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्तिगत संपर्क होता है उसका अभाव होता है। आप छोटी दुकानों को देखें या लघु स्तरीय दुकानों को देखें तो वहाँ पर जो कस्टमर हैं वो हमेशा
जो दुकानदार से मिलता जुलता रहता है। दुकानदार को अपने कस्टमर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है ना, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं घर के पास की आपकी परचून की दुकान या किराने की दुकान या डेली नीड्स की दुकान, उसको पता है कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, ठीक है, और आपको किस तरह की वस्तुएं पसंद हैं, आपके ब्रांड्स क्या हैं, आपकी लाइक्स क्या हैं, आपकी डिसलाइक्स क्या हैं, उनको सब पता है ना, पसंद नापसंद सब। तो इस स्थिति में क्या होता है, उनके साथ आपका व्यक्तिगत संपर्क बन रहा है। लेकिन जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं तो वहाँ जो सेल्स पर्सन होता है उसे या वहाँ जो ओनर होता है उसके साथ कस्टमर का व्यक्तिगत संपर्क नहीं बन पाता। तो इस तरीके से बच्चों आपने विभागीय भंडार के कॉन्सेप्ट को जानना, उनकी विशेषताओं को जानना, उसकी स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको जाना और साथ ही साथ उनके लाभ और उनकी हानियों को जाना।